लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक्रोमीटर के बारे में जाना था कि माइक्रोमीटर क्या है। हम लोगों ने कल क्या है कि माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा। मैंने आपको माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन करवाया कि माइक्रोमीटर क्या था। माइक्रोमीटर एक हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, जिसका क्या है आविष्कार कब किया गया था, तो इसका आविष्कार 1638 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जो विलियम येसोकाइन जी थे उसके द्वारा माइक्रोमीटर क्या है इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको परिचय बता दिया था माइक्रोमीटर का। फिर मैंने आपको माइक्रोमीटर का हिंदी में बताया कि माइक्रो का मीन्स होता है सूक्ष्म होता है, माइक्रो का मीन्स होता है सूक्ष्म और मीटर का मतलब होता है मापन। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म मापन, इसका नाम का मतलब है सूक्ष्म मापन। ठीक है, तो मैंने माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसका यूज बता दिया कि माइक्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको माइक्रोमीटर का हिंदी नेम सूक्ष्म मापन बता दिया। आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे माइक्रोमीटर के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर, कि माइक्रोमीटर के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, उसे कौन से मटेरियल से यानी कि कौन से पदार्थ से बनाया जाता है, इनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर, पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा फ्रेम, सेकेंड है हमारा एनवी, थर्ड है हमारा स्पिंडल, फोर्थ है हमारा बैरल, फिफ्थ है हमारा थिम्बल और सिक्स है हमारा रैचेट स्टोर। ठीक है, कि ये सब क्या है, सब पार्ट्स के नाम है। आपको मैं क्या है माइक्रोमीटर का व्यू दिखाती हूँ, कैसा है हमारा माइक्रोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये है हमारा माइक्रोमीटर। क्या है ये, इसी इंस्ट्रूमेंट को, इसी यंत्र को हम लोग कहते हैं माइक्रोमीटर। आपके बुक में भी होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन रियल में माइक्रोमीटर कैसा होता है वो मैंने दिखा दिया। सब पॉसिबल था, हमारे कॉलेज में था, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि माइक्रोमीटर कैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा माइक्रोमीटर। क्या है, ये है हमारा माइक्रोमीटर, यानी कि सूक्ष्म मापन। आज क्या है, इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या है, कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा फ्रेम। क्या है, फर्स्ट है हमारा फ्रेम। तो याद देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो शेप है, देखिएगा ये जो हमारा जो शेप है, ये जो पार्ट है, ये जो माइक्रोमीटर है, ये जो माइक्रोमीटर है उसमें जो ये जो भाग है कौन, ये जो सी टाइप में है, किस शेप में है, सी शेप में है, तो इसी को कहते हैं फ्रेम कहते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेम है हमारा, क्या है ये जो फ्रेम है हमारा, इसका आकार किस टाइप का है, इसका आकार क्या है, सी शेप का है। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेम का जो शेप होता है वो किस शेप का होता है, तो आप उसे सी शेप बोल सकते हैं, अर्धगोलाकार बोल सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, इस फ्रेम को, तो क्या है अर्धगोलाकार है ना, यानी क्या है अर्धगोलाकार है, आधा गोला है, इसे अर्धगोलाकार भी बोल सकते हैं या फिर इसे यू शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में क्या है यू शेप दिया रहता है, किसी किसी बुक में सी शेप दिया रहता है। इसलिए क्या है, आप सभी नाम जान लेंगे कि इसे सी, ये जो आकार है, ये जो इसका शेप है वो सी शेप का भी होता है, अर्धगोलाकार भी होता है और यू शेप का भी होता है। फ्रेंड्स ये जो इसका फ्रेम है ना, ये कौन से मेटेरियल का बनता है, ये ऐसे मेटेरियल का बनाया जाता है जिस पर क्या है वातावरण का कम प्रभाव पड़े। जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, जो जलवायु है, क्या है उसका इसमें कम प्रभाव पड़े, जिससे क्या इसमें जंग को विरोध कर सके। कि जंग लग जाता है, जंग लगते हैं ना बहुत से डिफरेंट जो आयरन के जो होते हैं, अगर आप उसे धूप में रख दो तो क्या है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और जंग का निर्माण करता है। तो ये जो फ्रेम है जो कि सी शेप का है, यू शेप का या अर्धगोलाकार, उसे क्या करते हैं हम लोग ऐसे मेटेरियल से बनाते हैं
ऐसे पदार्थ से बनाते हैं जो कि क्या है, जंग का विरोध कर सके, जिसमें जलवायु का कम प्रभाव पड़े। इससे हम लोग बनाते हैं कास्ट स्टील से बनाते हैं, कास्ट स्टील, इनवार स्टील और क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है, क्रोमियम स्टील। ठीक है, क्या है, इसे कास्ट स्टील, इनवार स्टील और क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है, जिससे क्या है, ये हमारा जंग का विरोध करे और इसमें जलवायु पर कोई प्रभाव न पड़े। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई फ्रेम के बारे में, कि इसका फ्रेम क्या है, इसका शेप क्या होता है, इसके मटेरियल क्या है, यानी किसके पदार्थ का। अब बात करते हैं एंगल के बारे में, ये एंगल क्या है हमारा, क्या है एंगल। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा हो गया फ्रेम हो गया, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा हो गया फ्रेम। एक छोटी सी क्या होती है, एक मेजरिंग फेस होता है एंगल जो हमारा होता है, क्या होता है, मेजरिंग फेस होता है, यानी कि मापने का चेहरा होता है, क्या होता है हमारा मेजरिंग फेस होता है, मेजरिंग फेस होता है, यानी कि ऐसा सिरा होता है, ये मापने वाला सिरा होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां क्या है, छोटी सी क्या है, सिलेंड्रिकल टाइप में गोल सी टिप लगी हुई है, क्या लगी हुई, टिप लगी हुई है, ये क्या होता है हमारा क्रोमियम स्टील, किससे बना होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है। देखिए फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा समझने का, यहाँ की छोटी सी क्या होती है, गोल सिलेंड्रिकल हमारी पीस लगी होती है छोटी सी, ठीक है, इसके अंदर, इसके अंदर क्या छोटी सी टिप लगी हुई होती है, जिसे क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इस जो आप देख रहे हो ना गेप जो है, यहाँ जो क्या है गेप है ना, इसी गेप में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं और यहाँ से टाइट करके बताऊंगी आगे, इससे क्या करते हैं लोग, इससे क्या करते हैं, इसे टाइट कर देते हैं, यानी कि इसमें इसको फिक्स कर देते हैं और अपना मापन कर लेते हैं। तो यहाँ जो छोटी सी जो टिप लगी हुई है, एक छोटी सी यानी टिप लगी हुई है, उसे कहते हैं एंगल कहते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा मेजरिंग फेस होता है, क्या होता है, हमारा मेजरिंग फेस होता है, यानी एक मापने वाला सिरा होता है, इसी के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं। किसका बना होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है। कभी कभी क्या करते हैं इसमें एक कार्बाइड जो होती है, क्या होती है, कार्बाइड, कार्बाइड टिप, क्या करते हैं, कभी कभी इसमें कार्बाइड की टिप लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए अगर जब जॉब हमें जॉब का क्या है मेजर करना है, उसे मापन करना है, तो जॉब क्या करते हैं इसके बीच में रखते हैं और मापन करते हैं। तो बार बार जॉब का मापन करने में, यानी कि किसी जॉब को मापने में क्या होती है, इसकी जो ये जो एंगल होता है वो घिसने लगता है, क्या होता है, घिसने लगता है, यानी कि हमारा खराब होता जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इसमें कार्बाइड की टिप लगा देते हैं जो क्या करता है, इसको खराब होने से बचाता है, क्या करता है, इसे खराब होने से बचाता है। तो फ्रेंड्स इतना समझ लीजिए कि एंगल क्या है, कोशिश कीजिए समझने का, क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रही हूँ एंगल कैसा है, छोटा सा हमारा है। एंगल क्या होता है, एक हमारा मेजरिंग फेस होता है, मापने का सिरा होता है, किसका बना होता है, तो क्रोमियम स्टील का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं कार्बाइड की टिप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि बार बार जॉब का मापन करने में, जॉब को मापने में क्या होता है, एंगल हमारा घिसने लगता है, खराब हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं इसमें कार्बाइड की टिप लगाते हैं, जो क्या करता है एंगल को खराब होने से बचाता है। तो किसके बारे में बात हो गई, एंगल के बारे में बात हो गई। अगला है हमारा स्पिंडल, क्या है हमारा स्पिंडल, कि स्पिंडल क्या है, आप देख सकते हो ये जो है क्या, ये जो है ना, ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं स्पिंडल कहते हैं, क्या होता है इसे हम लोग आप कोशिश के समझने का। देखिए यहाँ जो है ये क्या है हमारा, एक स्पिंडल है, क्या है हमारा,
एक हमारा स्पिंडल है। क्या है हमारा? एक हमारा स्पिंडल है जो क्या होती है, ये हमारा स्पिंडल है जो किसकी बनी होती है, ये भी हमारी क्रोमियम स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्रोमियम स्टील की बनी होती है। मैंने कहा था कि एमवी क्या है हमारा, मेजरिंग फेस है, मापने का सिरा है। उसी तरह स्पिंडल का ये जो फेस होता है क्या है, स्पिंडल का ये जो फेस है जहां मैंने उंगली रखी हुई है, जहां मैंने उंगली रखी हुई है, ये जो उसका फेस है ये क्या है हमारा, ये भी हमारे मेजरिंग फेस है। क्या है? हमारा मेजरिंग फेस है। क्यों बोल रही हूं मेजरिंग फेस? क्योंकि मैंने कहा कि जब जॉब को हम लोग इसमें अटैच करते हैं तो इसके बीच में जॉब को रखते हैं, तो ये साइड का हमारा एनवी है और ये साइड क्या हमारा स्पिंडल है। ठीक है, ये क्या हमारा स्पिंडल होता है, ये जो हमारा पार्ट जो है इसे स्पिंडल कहते हैं, जहां मैंने उंगली रखी हुई है इसे स्पिंडल कहते हैं। किसका बना होता है? तो भाई क्रोमियम स्टील का बना होता है। ये क्या होती है? इसकी मेजरिंग फेस होती है। कभी कभी क्या है इसे भी कार्बाइड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कार्बाइड से बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा घिसे ना और ये हमारा जल्दी खराब ना हो। ध्यान दीजिएगा, स्पिंडल जो होता है, ये जो हमारा स्पिंडल है इसके अंदर भूसा होता है। ये जो पार्ट देख रहे हो यहां से लेकर के यहाँ जो पार्ट है इसमें क्या होता है, स्पिंडल हमारा भूसा होता है, इसके अंदर गया होता है। ठीक है, स्पिंडल में क्या होती है हमारी एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। किस कौन सी थ्रेड कटी होती है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी थ्रेड, थ्रेड यानी कि चूड़ी। और फ्रेंड्स आप बोलोगे कि भाई एक्सटर्नल थ्रेड क्या है? आपने देखा होगा बोल्ट। क्या देखा होगा? बोल्ट। बोल्ट सभी ने देखा होगा। बोल्ट के, बोल्ट जो हमारा होता है एक सिलेंड्रिकल रड होता है ना, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा सिलेंड्रिकल रड होता है, उसके ऊपर देखा होगा आपने क्या होती है, थ्रेड कटिंग होती है, चूड़ी कटिंग होती है। उसी जैसे बोल्ट में हमारी चूड़ी कटिंग होती है उसी तरह उस चूड़ी को बोलते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि उसकी बाहरी सरफेस में थ्रेड कटिंग होती है। ध्यान दीजिए, जिस तरह हमारा बोल्ट होता है, बोल्ट में क्या होती है, चूड़ी कटिंग होती है। चूड़ी को इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड, कहते हैं थ्रेड, कहते हैं थ्रेड कटिंग होती है। थ्रेड पे तो जो थ्रेड है ना क्या है, इसके बाहरी सिरे पर कटी हुई है। क्या है? इसके बाहरी सिरे पर कटी हुई है। तो उस थ्रेड को जो बोल्ट में कटी होती है उस थ्रेड को एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं। ठीक है, यानी कि बाहरी चूड़ी कहते हैं। उसी तरह क्या होता है स्पिंडल का, स्पिंडल का ये जो पार्ट अंदर घुसा हुआ होता है, क्या है, स्पिंडल है हमारा, इसका जो ये पार्ट अंदर घुसा हुआ है उसमें भी क्या होती है, एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। क्या कटी होती है? बाहरी चूड़ी कटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पिंडल क्या है? स्पिंडल एक हमारा ये शेप होता है, ये हमारा क्या है, स्पिंडल है। तो किसका बना होता है? क्रोमियम स्टील का बना होता है। कभी कभी क्या है इसे कार्बाइड से बनाते हैं जिससे कि ये घिसे ना, ठीक है, जल्दी खराब ना हो। इसमें क्या होती है, एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग होती है। जिस तरह बोल्ट में थ्रेड कटिंग होती है उसी तरह क्या है हमारे स्पिंडल की जो अगला जो सिरा है जो इसके अंदर घुसा हुआ है, क्या है, इसके अंदर घुसा हुआ है उसमें क्या होती है, एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके बारे में बात हो रही है, हमारे स्पिंडल के बारे में बात हो रही। अगला क्या है? अगला है हमारा बेरल। क्या है हमारा? बेरल। बेरल को इसका और एक नाम है जिसे कहते हैं स्लिम। इसका और एक नाम है जिसे कहते हैं हब। ठीक है, किसी किसी बुक में क्या होता है, एक्सटर्नल स्लिम क्या है। अब देखिए याद ध्यान दीजिए, किसकी बात कर रही हूं, बेरल के बारे में बात कर रही हूं कि बेरल क्या है। बेरल का और एक नाम होता है जिसे कहते हैं स्लिम।
इसका और एक नाम होता है जिसे कहते हैं हब। किसी किसी बुक में क्या है बेरल दिया होता है, किसी किसी बुक में क्या है स्लिप दिया रहता है, इसलिए आपको सब नाम पता होने चाहिए। ठीक है, इसे अब मतलब बेरल क्या है, तो देखिए ये तो हमारा फ्रेम हो गया, ये क्या है, ये हमारा फ्रेम हो गया, ये क्या हो गया हमारा एनविल हो गया, ये हमारा स्पिंडल हो गया। ये जो पार्ट है देख रहे हैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहते हैं बेरल यानी कि स्लीव यानी कि हब। इसी पार्ट को क्या कहते हैं हम बेरल कहते हैं, क्या कहते हैं बेरल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मार्किंग की गई होती है, उतना आप देख नहीं पा रहे होंगे, यहाँ क्या होती है मार्किंग की गई होती है यानी कि इससे क्या है मिलीमीटर में डिवाइड किया रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए जो हमारा जो ये जो बेरल है, क्या है ये जो हमारा जो बेरल है इसमें क्या होता है, बुक में देख सकते हैं बुक, उसमें क्या होता है मार्किंग की गई होती है। ठीक है, क्या होती है इसमें क्या जीरो से लेकर के जीरो एक दो तीन चार इसी तरह क्या है इसमें मार्किंग की गई होती है और इसे मिलीमीटर में बांट दिया जाता है। ठीक है, क्या है मिलीमीटर में बांट दिया जाता है। अरे देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए मान लीजिए हमारा बेरल का पार्ट है, कौन सा पार्ट है इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पार्ट के बारे में बेरल जो है स्लीव जो है इसे कहते हैं ना इसे, ये हमारा क्या है बेरल है, इसको मैं यहां दिखा रही हूं, ये हमारा बेरल का पार्ट हो गया है। इसमें क्या है इसमें मार्किंग की गई होती है, क्या की गई होती है मार्किंग की गई होती है मिलीमीटर में। ठीक है, ये जो लाइन होता है कौन सा लाइन, ये लाइन, ये जो लाइन होता है इस लाइन को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस लाइन का लाइन, इस लाइन कहते हैं डेटम लाइन, कौन सा लाइन कहते हैं इसे डेटम लाइन भी कहा जाता है, इंडेक्स, इंडेक्स लाइन भी कहा जाता है, कौन कौन सा लाइन कहा जाता है इसे डेटम लाइन भी कहा जाता है, इंडेक्स लाइन भी कहा जाता है, कभी कभी क्या इसे बेस लाइन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेस लाइन। ठीक है, ये जो हमारा जो बेरल है ना, ये जो हमारा जो बेरल है, ये जो हमारा जो बेरल है इसमें क्या आता है, इसमें क्या होती है इसमें मार्किंग की गई होती है, मार्किंग जो की होती है इस तरह की मार्किंग की गई होती है, उसमें जो ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, ये जो लाइन है इस लाइन को डेटम लाइन, इंडेक्स लाइन एंड बेस लाइन तीनों इसे कहा जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है आप सब नाम को याद रखिएगा जिससे कभी कंफ्यूजन ना हो कि किसके बारे में बात हो गई, बेरल के बारे में बात हो गई। अगला क्या है, अगला है हमारा थिम्बल, क्या है अगला है हमारा थिम्बल। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा पार्ट है, ये हमारा थिम्बल का पार्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा थिम्बल का पार्ट है। यहाँ क्या है, यहाँ नर्लिंग की गई होती है, नर्लिंग समझ रहे हो, देखो इसके बारे में बात करी हूँ थिम्बल के बारे में। मान लीजिए कोई क्या है हमारा सिलेंड्रिकल ब्लड है, ठीक है क्या है सिलेंड्रिकल ब्लड है, हम क्या करेंगे सिलेंड्रिकल ब्लड को पकड़ेंगे, लेकिन सिलेंड्रिकल ब्लड जो क्या है उसकी जो बाहरी जो सतह है उसकी जो आउटर सरफेस क्या है प्लेन है, क्या है पूरी तरह से प्लेन है। अगर उसे हम पकड़ेंगे ना तो क्या है हमारे उसे हम पकड़ के कुछ काम कर रहे हैं तो क्या है वो हमारे हाथ से फिसल सकती है, फिसल सकती है ना। मान लो कोई मैंने सिलेंड्रिकल रड को पकड़ा हुआ है और सिलेंड्रिकल रड क्या है जो बेलनाकार जो रड है वो हमारी प्लेन है तो क्या है हमारे हाथ में जो हाथ से क्या है हमारी फिसल सकती है, इसलिए क्या करते हैं उसमें ग्रिपिंग करते हैं, क्या करते हैं ग्रिपिंग क्या होता है एक हमारा ऑपरेशन होता है, क्या कहते हैं सॉरी ग्रिपिंग नहीं नर्लिंग कहते हैं, नर्लिंग क्या कहते हैं नर्लिंग,
इसे कहते हैं नर्लिंग। नर्लिंग क्या है, हमारा ऑपरेशन होता है। क्या होता है, हमारा ऑपरेशन होता है। वो क्या करता है, नर्लिंग क्या है, हम लोग किसी भी सरफेस में क्या करते हैं, इस तरह का प्लेन सरफेस को इस सरफेस में बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं, जब नर्लिंग की गई होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में, तब उसे हम जब पकड़ेंगे ना, तो उसकी जो ग्रिपिंग होती है यानी कि जो पकड़ होती है वो अच्छी होती है उसके कंपेयर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। नर्लिंग क्या है, वो ऑपरेशन का नाम है। क्या नाम है, एक हमारा ऑपरेशन का नाम है। जब कोई रड प्लेन होता है, क्या होता है, कोई रड प्लेन होता है और उसे हम पकड़ेंगे तो हमारे हाथ से वो रड स्लिप कर जाएगी, हमारे हाथ से वो रड फिसल जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, उसके ऊपर नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं। ये जब देख रहे हो ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसमें क्या है, नर्लिंग की गई है। ये जो पार्ट है इसमें नर्लिंग की गई है। क्यों की गई है, क्योंकि जब इसे हम लोग पकड़ेंगे तो क्या होगी, इसकी ग्रिपिंग अच्छी होगी। ग्रिपिंग यानी कि पकड़, इसकी जो पकड़ होगी क्या होगी, अच्छी होगी। ये हमारे हाथ से स्लाइड नहीं करेगी, इसकी जो सरफेस क्या थोड़ी रफली हो गई है, जिससे कि हमारे हाथ से फिसले ना। ठीक है, तो नर्लिंग समझ लिए, नर्लिंग क्या है, हमारा ऑपरेशन होता है। मैंने कहा कि ये जो हमारा जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। थिम्बल जो हमारा होता है उसमें ये जो पार्ट तो नर्लिंग की गई है, क्या है, इसमें नर्लिंग ऑपरेशन किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि जब हम इसे पकड़ कर किसी भी ऑब्जेक्ट को मापे तो ये हमारे हाथ से स्लाइड ना करे और अच्छी पकड़ बनी रहे। ठीक है, तो ये जो हमारा थिम्बल है इसमें जो ये जो क्या होता है, थोड़ा बेबल होता है। क्या होता है, आप देख सकते हैं ये क्या है, थोड़ा बेबल है, यानी थोड़ा हमारा सिलेंड्रिकल टाइप में है। इसमें क्या होता है, हमारा 0 से 50 मिलीमीटर तक, कितने मिलीमीटर तक, 0 से 50 मिलीमीटर तक क्या होता है, इसमें मार्किंग की गई होती है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इसमें हमारी 0 से 50 मिलीमीटर तक इसमें मार्किंग की गई है। ठीक है, ये क्या है, हमारा थिम्बल होता है, इसकी ये पार्ट क्या होती है, नर्लिंग की गई होती है। ये क्या होता है, थोड़ा बेबल होता है। क्या होता है, बेबल, बेबल होता है। ये जो पार्ट क्या है, थोड़ा हमारा बेबल है। और ये क्या है, इसमें हमारी 0 से लेकर के 50 मिलीमीटर तक इसमें क्या की गई है, मार्किंग की गई है, यानी कि इसमें चिन्हन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा, ये हमारा है थिम्बल। अगला लास्ट क्या है हमारा, रेजेट स्टोव। कि रेजेट स्टोव क्या है फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं रेजेट स्टोव। क्या कहते हैं, रेचेट स्टोव कहते हैं। ये क्या करता है, जब हम किसी भी जॉब को बीच में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, तो जाहिर सी बात है जॉब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो क्या है, पहले क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, इस माइक्रोमीटर को खोलेंगे। माइक्रोमीटर हमारा खुल गया, फिर मान लीजिए कोई हमारा जॉब है, जॉब को इसके बीच में रखेंगे, रखेंगे और रखने के बाद क्या करेंगे, मान लो कि मैंने यहाँ पर जॉब को रख दिया, उसके बाद जॉब हमारा चला गया। अब हम क्या करेंगे, रेचेट स्टोव से इसको घुमाएंगे और जॉब को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ठीक है, जॉब यहाँ रख दिया हम लोगों ने, घुमाया रेचेट स्टोव को, ये क्या हो गया हमारा, जॉब यहाँ फिक्स हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मापन कर लेंगे, इसकी रीडिंग निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो क्या है रेचेट स्टोव, क्या होता है, ये जॉब को फिक्स करता है। क्योंकि देखिए, मान लो रेचेट स्टोव ना हो, अगर इसे हम लोग फिक्स करें जॉब को, ठीक है, तो क्या होगी, हमारी रीडिंग अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, अगर रेचेट स्टोव ना हो और हम किसी भी जॉब की रीडिंग निकाले, यानी कि जॉब का मापन करें, तो हमारी क्या होगी, रीडिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए रेचेट स्टोव क्या होता है, जॉब को
फिक्स करता है, क्या करता है, जॉब को फिक्स करता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या होता है, रेजिंग स्टॉप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पार्ट्स के बारे में बता दिया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद कहीं दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट किया करें, जिससे कि मैं आपका जो हूँ आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दूं। तो फिर से मैं एक ओवरव्यू करवा देती हूँ। फ्रेम क्या है, ये हमारा क्या है, फ्रेम है। एनविल क्या है, तो एक छोटा सा क्या होता है, हमारा यहाँ पर एक छोटा सा पीस होता है जिसे एनविल कहते हैं। जब हमारी ऑफलाइन क्लास होगी तब मैं क्या करूंगी, आपको फिर से एक बार माइक्रोमीटर को दिखा दूंगी। जो हमारा जो ये माइक्रोमीटर है इससे मैं क्या है आपको अच्छे से एक्सप्लेन और एक बार कर दूंगी और आपको हर एक पार्ट को फेस टू फेस दिखा दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या है, फ्रेम है। ये क्या है हमारा, एनविल है। ये क्या है हमारा, स्पिंडल है। ये क्या है हमारा, बेरल है। ये क्या है हमारा, थिम्बल है। ये क्या है हमारा, रेचेट स्टॉक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों ने क्या है, माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में जाना। अगले क्लास में क्या करेंगे, माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है, अब लीस्ट काउंट क्या होता है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है, उसे क्या है अगले क्लास में जानेंगे। आप लोगों के लिए अभी लीस्ट काउंट नया वर्ड होगा, ठीक है। तो क्या है, अगले क्लास में क्या करेंगे, लीस्ट काउंट का मतलब समझेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।